दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। इंटरनेट मीडिया पर दोस्ती करने के बाद युवती को ब्लैकमेल करने वाले नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया है। फेसबुक के माध्यम से दोस्ती करने के बाद वह युवती की आपत्तिजनक फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा था। रीवा से गिरफ्तार आरोपित के खिलाफ रांची पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। रांची थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया कि थाना क्षेत्र निवासी 21 वर्षीय युवती कॉलेज में पढ़ाई करती है। कुछ दिन पूर्व युवती ने फेसबुक पर नाबालिग द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट स्वीकार की थी, जिसके बाद रिक्वेस्ट भेजने वाले नाबालिग ने फेसबुक अकाउंट से युवती का मोबाइल नंबर प्राप्त कर लिया। नाबालिग फोन कर युवती से अश्लील बातें कर उसे परेशान करने लगा, जिसके बाद फेसबुक से प्राप्त युवती की कुछ फोटो एडिट कर वायरल करने की धमकी देने लगा। नाबालिग की हरकत से परेशान छात्रा ने हिम्मत कर स्वजन को घटना की जानकारी दी। स्वजन ने युवती के मोबाइल से नाबालिग से बात की तो वह उन्हें भी धमकाने लगा। स्वजन के साथ युवती रांझी थाना पहुंची और घटना की शिकायत की, जिसके बाद आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए पुलिस में आरोपित की तलाश शुरू की गई थी। रांझी थाना प्रभारी परस्ते ने बताया कि युवती द्वारा की गई शिकायत से पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुड़ा को अवगत कराया गया। उनके निर्देश पर साइबर सेल ने जांच शुरू की। साइबर सेल व रांझी पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपित नाबालिग की पहचान कर ली, जिसके बाद पुलिस टीम को रीवा भेजा गया। दबिश देकर नाबालिग आरोपित को गिरफ्तार कर जबलपुर लाया गया। इधर पुलिस की जाँच पड़ताल में पता चला कि युवक के मोबाइल में कई व्यक्तियों की फोटो और मोबाइल नंबर दर्ज हैं। साइबर सेल की मदद से उसके फेसबुक अकाउंट की भी जांच की जा रही है।